गाड़ी छोड़ कर हाँ चलेगा कामले जी आप टेंशन नहीं करें। साइकिल जा रहे हैं इनके चक्कर में। कुछ आरोपी है जो अपने काम के दौरान उनका पैसा न होते हुए भी काफी खर्च कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जब निगरानी की गई और साथ में कुछ फुटेज भी कलेक्ट हुए थे जिसमें एक संदेही राकेश नाम का एक आइडेंटिफाई हुआ था। इस सूचना के आधार पर जब उसको लंबे समय तक फॉलो किया गया तो राकेश अपना एक साथी जो धर्मेंद्र नाम का लड़का है, ये जो थाना द्वारकापुरी का रहने वाला, इसके साथ में मिलकर चोरी जो वाहनों की चोरी करते थे और ये लगभग 1 से 1.5 साल से अभी सक्रिय थे। और दोनों जो आरोपी है राकेश और धर्मेंद्र का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये जो चोरी करने के आदि हो गए थे और इसमें मुख्य रूप से इन्होंने एक अपनी जो मास्टर चाबी होती है उसको भी तैयार किया था और अधिकांश जो पार्किंग वाले एरिया हैं, जो भीड़भाड़ वाले एरिया हैं, उन क्षेत्रों में जो वाहन खड़े रहते थे उनको पहले उनकी निगरानी करते थे 1-1.5 घंटा देख करके, और उसके बाद जो मास्टर की है उसका उपयोग करते हुए ताला तोड़ करके ये वाहन को चुरा ले जाया करते थे। और इनका एक तीसरा साथी और था देवा उर्फ सहदेव, ये मूल रूप से धार जिले का रहने वाला है, उसके माध्यम से ये गाड़ियां इसने बेचना शुरू की थी। और अधिकांश जो गाड़ियां वो जो देव जो धार है उसके ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत ही रिमोट एरिया है जहाँ जो पढ़ी लिखी पब्लिक नहीं है उनको कम दामों में बेचते थे। अभी तक क्राइम ब्रांच जूनी इंदौर की टीम के द्वारा अभी तक 18 जो दोपहिया वाहन है लगभग 10 लाख की कीमत के बरामद किए गए हैं। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में ये भी खुलासा इनके आरोपियों द्वारा किया गया है कि ये अपने साथ मिर्च पाउडर भी रखते थे ताकि कभी अगर कोई पकड़ जाए तो जिससे इसको मतलब आंखों में मिर्च झोंक करके भाग सकें। और एक सहदेव उर्फ जो देवा आरोपी है वो पूर्व में आजीवन कारावास के सजा से दंडित भी हो चुका है थाना जूनी इंदौर में। इसके ऊपर एक किडनैपिंग विद रैंसम का मामला रजिस्टर्ड हुआ था। इसके अलावा इसकी चोरी और जो अवैध शराब बेचने की भी शोहरत की जानकारी मिली है। अब इनसे और पूछताछ की जा रही है। कुछ जो लगभग अधिकांश जो मोटरसाइकिल है उनकी FIR मिल गई है और उनके फरियादियों से भी संपर्क किया गया है और अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी कि इसके अलावा और क्या क्या ये अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। सर मुझे कुछ नहीं सुनना, कपड़ा ले खड़ा कर दे मुझे किसी को भी। सूरज भैया और राकेश भैया की टी शर्ट मारे दोनों। मुलजिम कौन सा है?